जैसा कि आज रिजल्ट जेई मेन 2024 का आया हुआ है, जिसमें हमारे नमन खंडेलवाल जिसने 99.58 परसेंटाइल को स्कोर किया है, तो नमन को बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। थैंक यू। कैसा लग रहा नमन आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है नमन को? बहुत अच्छा लग रहा है। और आपके माता पिता को कैसा लग रहा है आज ये बात सुनकर कि उनका उनके बच्चे का इतना अच्छा रिजल्ट आया, उनको कैसी खुशी हो रही है? उन्हें बहुत खुशी हो रही है। उन्हें बहुत खुशी हो रही है। और तुम्हें कैसी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। अच्छा नमन, ये बताओ कि आपने जो 99.58 परसेंटाइल को स्कोर किया है, तो आपने जो साल भर के अंदर पढ़ा, क्या उससे बाहर एग्जाम गया कि सब कुछ उसके अंदर से ही आया? सब कुछ उसके अंदर से ही आया। अच्छा, मतलब अगर टीचर के द्वारा दिए गए कंटेंट और स्टडी पैकेज हो और दिए गए मार्गदर्शन हो, अगर उसके तहत अगर हम काम करेंगे तो सफलता मिल जाएगी? 100% मिलेगी। 100% मिलेगी। नमन का कहना है कि 100% सफलता मिलेगी। और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और बच्चों को, जिससे कि उन्हें ये पता चले कि हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो थोड़ा सा मार्गदर्शन दो तुम अपना। मतलब कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए। कंसिस्टेंसी से काम करना चाहिए, लगातार डटे रहना चाहिए। और डिस्ट्रैक्शन करना चाहिए? नहीं, डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहिए। अच्छा, फेसबुक, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, इन पर इन्वॉल्व होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सोशल मीडिया इन सबसे दूर रहना चाहिए, जैसा कि नमन बताते हैं। नमन दूर थे इन सब चीजों से? बहुत दूर थे। और ये दोस्ती वोस्ती का चक्कर करना चाहिए? मतलब ग्रुप में होनी चाहिए, अच्छा ग्रुप होना चाहिए। मतलब पढ़ने वाला ग्रुप होना चाहिए, तो दोस्ती भी अच्छी होती है, उसमें कोई खराब नहीं होता। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं अगेन, कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू वेरी मच।